अस्सलाम वालेकुम आदाब। जो आज हम बताने वाले अजंता शहर वाकुर नदी के जो ब्रिज का रोड है और उसी के बारे में बताने वाले, और जो अजंता शहर में जो तूफानी बारिश हुई और वाकुर नदी में पानी आया, पहला पानी, वो भी बताने वाले दोनों नदी में। तो इसमें बहुत खास वीडियो है और वाटरफॉल भी बताने वाले। तो जो स्टार्ट हुआ वाटरफॉल, तो बहुत खास वीडियो है और रोड के बारे में भी बताने वाले, जो रोड किस तरीके से खराब हो गया। देखिए उस तरफ जो 6 महीने हो रहे रोड बनने के लिए, और ये कौन सा जो मटेरियल इस्तेमाल करा कॉन्ट्रैक्टदार ने, ये कमेंट में बताना चाहिए आपको। और सारे जितने भी रोड बना हमने अजंता शहर में, उतने रोड खराब हो चुके हैं 6 महीने, कई 4 महीने में। तो ये देखना चाहिए आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और इस तरफ जो रोड का काम है अधूरा है। ये जो इसको जो समझ में आ रहा है, जो पानी जा रहा है, इसके नीचे जो फर्सी है पुरानी, निजाम के टाइम का पुराने फर्सी है, और फर्सी के नीचे अगर पानी गया, उसमें से अगर तुम के नीचे पानी पज रहा, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते कितना बड़ा इसको नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। ये आपको सामने नजर आ रहा वीडियो बनाने का मकसद है कि 2 दिन पहले जो अजंता में बारिश नहीं थी, और अब बारिश हुई तो कितना पानी खाली था यहाँ। तो नदी में आपको दोनों नदी वाकुर नदी है तो पूरे फुल हो चुकी है, इसीलिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपको पहला बताने का मकसद ये कि ये जानना चाहिए आपने कितनी नदी में जो खाली थी नदी, और माशाल्लाह एक ही दिन बारिश हुई, जो तूफानी बारिश हुई अजंता शहर में। हमने गांधी चौक का वीडियो भी अपलोड करा, वो भी देखना चाहिए आपने। तो इस तरीके का बेहतरीन नज़ारा है। वाटरफॉल भी स्टार्ट हो गया, जो सामने हमारे सुमेर भाई नज़र आ रहे, ये वाटरफॉल भी स्टार्ट हुआ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे अजंता न्यूज़ पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और जितने भी वीडियो बनाए हुए हमने एक एक करके आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखिए 2 दिन पहले इस तरीके का जो नज़ारा था, और आप वीडियो में पूरी मुकम्मल जानकारी हम देना ले, जो बारिश हुई तूफानी बारिश, तो 2 दिन के अंदर इतना पानी आ गया नदी में वाकुर नदी में, वो देखना चाहिए आपने। तो माशाल्लाह आप सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है गेट का। जो आप इस तरफ से देखिए तो बहुत बेहतरीन गेट नज़र आएगा, और दूसरी साइड देखिए इसकी तो कितनी लापरवाही है ये आपको समझ में आएगा। तो बहुत खास वीडियो आपने लास्ट तक वीडियो देखना चाहिए। देखिए कितने बड़े बड़े जो दरारे इसमें, अगर एक पत्थर ये किसी के आंग पे जाने वाले शेतकरी भाई के आंग पे गिरता, या कोई भी गाड़ी पे अगर पत्थर जो इस पे नीचे गिरता, और ये दरख की जड़ें सभी उसमें हो गई। तो ये देखना चाहिए आपने, सभी लोग इस तरीके से जो पानी से बचने के लिए खड़े रहते हैं, और कोई हादसा होगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा इसका, तो ये आपको समझना चाहिए। इसके बारे में बताएंगे, और रोड 6 महीने हुए रोड को बनने के लिए, और कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए इसमें, और गांधी चौक का भी रोड कितना ख़राब हो गया, और लापरवाही की वजह से रोड के काम जो रुक गए। तो ये भी समझना चाहिए अजंता की जितनी भी जनता है, उनको सोचना चाहिए कि अब गाँव का विकास होना चाहिए। और जितना पानी आया वाकुर नदी में, एक ही पानी में पूरी दोनों वाकुर नदी भर गई, उसकी पूरी मुकम्मल जानकारी वीडियो में देखिए। जो माशाल्लाह जो तूफ़ानी बारिश हुई अजंता शहर में, और इस तरीके से वाकुर नदी में जो कुछ भी पानी था, वो भी वीडियो हमने अपलोड करे और एक वीडियो अपलोड करने वाले। तो ये माशाल्लाह देखिए इतनी बरसात हुई, जो पूरी नदी जो वाकुर नदी थी जो पूरी तरीके से भर चुकी है। तो इसके बारे में बहुत मुकम्मल जानकारी देंगे हम आपको, उस तरफ का भी बताएंगे। 2 नदी है यहाँ, और इधर बेहतरीन नज़ारा जो अजंता शहर के जो गेटों का, और इसकी लापरवाही जो बहुत, यहाँ पानी इसमें बारिश के मौसम में पानी नीचे पजरता है पानी इसमें। तो यही इसके बारे में बताएंगे, और जितना ये इसका जो ब्रिज है, तो माशाल्लाह ब्रिज का भी जल्द से जो काम रिपेयरिंग का काम स्टार्ट होना चाहिए। और ये देखिए रोड की हालत, तो तारीखी शहर है अजंता शहर, और ये देखिए इस तरफ से जो काम रुक गया है, अब क्या वजह से रुक गया ये तो पता नहीं, पर जल्द से जल्द इसका भी काम होना चाहिए। देखिए सारे जो बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए इसमें, अब कौन सा सिरमिट इस्तेमाल करा, या कौन सी खड़ी इस्तेमाल करा, रेत इस्तेमाल करा, ये कमेंट में बताना चाहिए आपको। तो अजंता के जितने भी रोड बनाए उतने की ये हालत ख़राब है, तो जल्द से जल्द इस पर भी काम होना चाहिए। और जितनी नया रोड है, ये नए रोड की हालत देखिए आप, कैसा पानी यहाँ जो ठहर रहा है, और उस तरफ से खड़ी पूरी भाई के जो खड़ी नीचे आ गई, और इस तरफ जो ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको पानी, जो ठहरे हुआ पानी नज़र आ रहा है, इसके नीचे जो फर्सी है, बड़े बड़े फर्सी है, अगर नीचे कमान में अगर पानी पजरता है, तो आप खुद अंदाज़ा ला सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 10 कमान है गेट के। और ये पहली बारिश है, तो पहली बारिश में इस तरीके का हाल हुआ है। 2 नदियाँ हैं, जो वाकुर नदी फुल भर गई है, और सामने जो तारीखी शहर का गेट है, तो यहाँ अजंता शहर में कितनी लापरवाही है, रोडों की लापरवाही है, कचरे की लापरवाही है,
और जो गांधी चौक का भी वीडियो हमने अपलोड करा हुआ कल बारिश का, तूफ़ानी बारिश हुई अजंता शहर में, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा गेटों का माशाल्लाह। तो आपको हम आज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी जो इसका अधूरा काम बाकी है इसका भी जल्द से जल्द होना चाहिए। बहुत से लोग स्लिप हो जा रहे हैं, क्योंकि गांधी चौक में देखिए आपने कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। झंडा जो 15 अगस्त 26 जनवरी का झंडा बंधन होता है, गेटों की लापरवाही है इसमें। और वाटरफॉल बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉल है अजंता शहर के वागुर नदी का, जो अभी पहला पानी है। सभी यहाँ हमारे दोस्त सभी नज़र आ रहे हैं आपको, तो आपको सामने नज़र आ रहे हैं जो भाले के सरीके कुछ टूट गए हैं और कुछ बाकी है। पहले जंग होती थी तो हाथी के जो दरवाज़ा टूटना नहीं, इसके लिए ये हाथी के लिए लगाया था जो तेज़धार नोकधार जो बहुत मजबूत है। तो इसी के बारे में हम पूरी मुकम्मल जानकारी वीडियो में भी आपको देने वाले हैं। तो कितनी लापरवाही गेटों की ये देखिए। और जो पहले पुराने लोग थे तो इससे जो 7 बजे दरवाज़ा लग जाता था, छोटे गेट से एंट्री रहती थी आने के लिए अंदर गांव में। बहुत से वीडियो अपलोड कर रहे हैं हमने, ये देखिए दरार, तो कितनी हालत ख़राब है गेट की, ये भी देखना चाहिए आपने, आपने बताना चाहिए कमेंट में बताना चाहिए कितनी लापरवाही है। देखिए सामने बहुत से वीडियो हमने अपलोड करे हुए, आप जाके अजंता न्यूज़ पर देख सकते हैं। जो आज बहुत ही बेहतरीन जो पहले पानी में वाटरफॉल है, पहला पानी बता रहे वागुर नदी का आपको। और देखिए इसमें दरख की जड़ें, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है अगर किसी के आंग पे या किसी के जाते हुए पत्थर गिरता है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे जब सभी यहाँ पानी के लिए खड़े रहते हैं बचने के लिए। पानी तो ये कॉन्ट्रैक्टदार ने, कौन से कॉन्ट्रैक्टदार ने, उसको इनाम देना चाहिए। इस तरीके का रोड इससे जो बनाया हमने, बहुत अच्छा रोड बनाया आपको सामने नज़र आ रहा है। तो पूरे गांधी चौक के रोड का हाल यही है, जो ये रात में बारिश हुई तो वही बारिश में सारा पानी आपको जो नदी में आया, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था उधर वाटरफॉल का। तो लास्ट तक बने रहे, खूबसूरत नज़ारा, 10 कमाने हैं और 10 कमानों में से फुल पानी आता है। जो अभी बारिश, अभी पहली बारिश है और पहला पानी है जो नदी में आया, तो बहुत प्यारा वाटरफॉल है उस तरफ जो अभी कम वाटरफॉल है। और 2021 के बहुत से वीडियो हमने बनाए हुए हैं जो वाटरफॉल के, यहाँ से लेके तो बाल समंदर तक, वो भी अपलोड करेंगे आपको हम जो पानी बताने वाले हैं। तो माशाल्लाह अजंता शहर में बहुत तूफ़ानी बारिश हुई और तूफ़ानी बारिश होने के बाद जो सारी नदी में पानी आ गया। माशाल्लाह देखिए अभी स्टार्ट हुआ वाटरफॉल अजंता वागुर नदी का, तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारे रहते हैं अजंता शहर में। और इसके जितने भी वीडियो हम बारिश के अपलोड करेंगे एक एक करके, 2021 के भी वीडियो है जो हमने वाटरफॉल के आपको नज़र आएंगे। तो अभी कम पानी है, अभी बारिश स्टार्ट है, तो माशाल्लाह सारे कुंड जितने भी हमने बनाए, वीडियो पुराना एक वीडियो बनाए हुए हमने, ये जितना भी पानी नज़र आ रहा है पूरे कुंड का आपको बताएंगे, खाली थे सभी, उसका वीडियो भी बाकी है हमारा जो अपलोड करना है। ये अजंता शहर के पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा जो अजंता न्यूज़ पर हम बताने की कोशिश करेंगे आपको, तो वीडियो में बने रहना। बहुत से 2021 के और 2022 के हमने वीडियो बनाए हुए, तो एक एक करके हम आपके लिए अपलोड करेंगे। अजंता न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा हम बताने की कोशिश करेंगे आपको।